इस बाइक के अंदर फ्यूल टैंक लगा चुके हैं। इसके फ्यूल पंप को क्लीन करने के बाद जब तक कि आप इंजेक्टर की टेस्टिंग नहीं कर लेते, जब तक आप इसे बाइक में असेंबल ना करें, इंजेक्टर को टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को 200 ओहम पे लगाएंगे, यहाँ पे 200 ओहम पे। यहाँ पे लगाने के बाद जो रीडिंग आएगा 11 to 13, 11 से 13 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। कैसे चेक करेंगे अभी आपको बताते हैं। लो पकड़ो मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को लगाने के बाद इसके पिन 1 और पिन 2 पे टच करेंगे मल्टीमीटर का पिन, तो रीडिंग वहाँ पे आपको बिलिंग होता हुआ दिखेगा। ये देखिए क्या रीडिंग में मैंने बताया, 11 to 13, यानी 11 और 13 का रीडिंग दिखेगा, बट 12.3 दिख रहा है, यानी इंजेक्टर हमारा परफेक्ट है। जो प्रॉब्लम था इसके फ्यूल टैंक के अंदर पंप लगा हुआ है, उसके अंदर जो फिल्टर लगा हुआ वहाँ से प्रॉब्लम था। अब एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताते चलें कि देखिए अगर इंजेक्टर कभी आने वाले समय में आपका ख़राब हो गया, या अभी सपोज इंजेक्टर ख़राब है, या इसके अंदर वोल्टेज की सप्लाई नहीं हो रहा है, तो हमारी गाड़ी का पंप नहीं चलेगा। अभी देखें इंजेक्टर खुला हुआ है, अभी चलिए आपको पंप चला के दिखाते हैं, हमारी गाड़ी का पंप चलेगा ही नहीं। पंप इसके अंदर असेंबल कर चुके हैं, कनेक्शन भी देखें एकदम परफेक्ट है। अब इसका इग्निशन ऑन करेंगे, फ्यूल की सप्लाई नहीं होगा। चलिए ऑन कीजिए, ऑन कर दिए। देखिए फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक सीखने लायक आपको चीज़ मिला होगा कि जब तक इसके इंजेक्टर का कनेक्शन हम इसके वायरिंग से कर नहीं देते, जब तक पंप नहीं चलेगा, क्योंकि इसका ECM को ये फेस करना पड़ रहा है कि कोई ना कोई कनेक्शन वीक है। चलिए इसे लगाइए। तो अभी देखिए इसके कनेक्शन को मैंने कर लिया, ये इंजेक्टर लग गया। अब चलिए पंप चलाइए एक बार, अभी इग्निशन ऑन कीजिए। ये देखिए फ्यूल की सप्लाई आपने देखा, यानी मेन जो कनेक्शन है कि इंजेक्टर भी अगर ख़राब रहा तो फ्यूल पंप नहीं चलेगा। अब चलिए वहाँ कनेक्शन कीजिए, आप देखते हैं कि इंजेक्टर छिड़काव करता है या नहीं। अभी इसके सारे कनेक्शन को ऐड कर दिया है, अब इसके इंजेक्टर का छिड़काव चेक कराएंगे। चलिए मारिए कि फोकस बनाओ, पर फोकस बनाओ। चलिए मारिए मारिए, ये देखिए छिड़काव परफेक्ट हो रहा है। अब चलिए इसे गाड़ी में असेंबल करते हैं और दिखाते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके कि सटीक स्टार्ट होती है या नहीं।